हमारे पास जेडीसी लॉकडाउन में जो जेडीसी सिंध भर में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर राशन भेज रही थी, उसी में जो हम अंदरून सिंध राशन भेज रहे थे उसमें खैरपुर, गंबट और दीगर जगहों पे अजहर बरोही साहब इनकी टीम केडीसी ये लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कल भी हमने इनको तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए का राशन भेजा, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनकी जानिब से अभी ये सौगात दी गई है, क्या है अजहर भाई, किस सिलसिले में थी लोगों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जफर भाई, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जैसे ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है इनका राशन का, इसके अलावा ये यहाँ पे कोरोना के हवाले से बिल्कुल फ्री कोरोना जो है हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनका एक दो दिन में इफ्तिताह होने वाला है इसलिए। और कल जो जफर भाई ने हमें खैरपुर के लिए 350 राशन बैग भेजे थे, जो खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में खैरपुर, गंबट, थरीमिरवा और सोबोदेरों की तरफ ये तकसीम किए गए, और इंशाल्लाह मजीद भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जफर भाई हमारे साथ ताउन करते रहेंगे, इसलिए हम जफर भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये जो है सिंध की सकाफत दस्तारबंदी अभी करने हैं, और हम जफर भाई के बेहद ममनून और मशहूर हैं। अच्छा, देखने वालों को ये बताएं इस कपड़े का क्या नाम है और ये किस तरह तैयार होता है, क्या है सिलसिला? ये जो है स्पेशली कपड़ा जो है ये इसको बोस्की कहते हैं और सिंधी में इसको पटका कहते हैं ना, तो हमारे पास सिंध में ये सकाफत होती है कि बोस्की का पटका, और इसको उर्दू में दस्तार बोलते हैं। अभी हमने ये बोस्की का पटका आपको गिफ्ट किया है और इंशाल्लाह कबूल करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।